वार्निंग, ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर आग भी लग सकती है, डीमोटिवेट भी हो सकती है। सब गाइस, मेरा नाम है अंकित और आप तो जानते होंगे मुझे YouTube पर क्रेजी कंटेंट बनाना कितना पसंद है। तो सभी लोग रेडी हो, चलो। लेकिन मेरे ऑडियंस को TBMS ब्लॉग्स, मनोज दे, रोहित राज, मोटिवेशन विजय रिया ब्लॉग्स, एक्टिव राहुल, JCAP, दीपक दैया, निखिल विसाई ब्लॉग्स। लेकिन मुझे इनके जैसे कंटेंट में निखिल विसाई ब्लॉग, JCAP और दीपक दैया इनका कंटेंट सही लगता है। कहने का मतलब ये है, मैं भी पहले उनके जैसा वीडियो बनाता था जिसकी वजह से उनके ऑडियंस मेरे इसमें आ गई। अब ब्लॉग डालता हूँ तो देखते ही नहीं। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, आपके लिए एक वीडियो बना लिया जाए। तो गाइस, अभी के समय में यूट्यूबर बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। एक से एक आए और चले भी गए। अभी के समय में मांगता है यूनिक कंटेंट, क्रेजी कंटेंट, और वो मुझ में है। मैं आपको मेरा एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मेरे 200-300 सब्सक्राइबर थे, मेरे पुलिस वालों के साथ पंगा हो गया था। वो वीडियो अभी भी यूट्यूब में पड़ी है। तो गाँव वाले थे 20-25 लोग के सामने, भाई वो पुलिस वाले क्या बोलने लगा, गान का यूट्यूबर बनेगा, ये सब बोलने लगा। और गांव वाले तो पता ही है, पहले से मेरा मजाक उड़ाते थे, उन्हें पता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ। तो भाई बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, मेरे पुलिस वाले भी गाली दिए। और गांव वाले तो समझते नहीं भाई यूट्यूबर की पावर क्या होती है। 15 दिन नहीं हुआ भाई, 25,000 का फोन गाँव में पूरा वायरल हो गया। स्पॉन्सर पे स्पॉन्सर दे धड़ाधड़ भाई। हम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, दादू इसका वीडियो बनाता हूँ, ऐसा ही बोलते हैं हमारे गाँव के पास मैसेज। तो क्या बोलता हूँ, फ्री में वीडियो नहीं बनता भाई, पैसे लगता है। अंकित भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अंकित भाई क्या क्या राउंड टू जेंटलमैन, हमें बालक देसी, हम मैंने पटाई तेरी छोरी का लेसी। फिर मैंने सोचा भाई अभी से इतना 3,000-4,000 सब्सक्राइबर में इतने फैन फॉलोइंग, मैं बता रहा हूँ रास्ते में मिल जाते हैं मेरे सब्सक्राइबर, फोटो लेते हैं भाई, और जो फीलिंग आती है ना भाई, का ही भूले यार। अभी से इतना है भाई, आने वाले समय में वो एलिस यादव का क्या बोलता है सिस्टम, उसे ही एंकर देंगे। होगा भाई होगा, यूट्यूबर बनना ना आम बात नहीं है। आप तो जानते चोगे वो विकास करे और ये ब्लॉग दीपक ब्लॉग पहले के समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाया, सब करे भाई, खूब वायरल हुए। लेकिन अभी के समय में मानता है भाई क्रेजी कंटेंट, क्योंकि सभी लोग भाई ब्लॉग ही ब्लॉग बना रहे हैं। सौरभ जोशी नहीं बनना है भाई, सभी को क्रेजी कंटेंट बनाओ, काम है ये समझ लो, नौकरी से समझ लो, फार्म भरते रहो, कभी ना कभी वीडियो वायरल तो होगी। और बहुत लोग कह रहे हैं भाई यूट्यूबर बनने के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, ये बात नहीं है भाई, कुछ और रीजन है, बताऊंगा जब बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे, सीधे जो स्टॉक्स में जाएंगे। चलो गाइस, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड आपको मजा आया होगा या फिर नहीं आया होगा तो बता भी देना, कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसे वीडियो लेकिन मैं ये कई बार, अभी खाली समय था, मैं सोचा आप लोगों के लिए बना देना चाहिए, क्योंकि आधी से ज्यादा मेरे टैग सब्सक्राइबर है यार जो वीडियो बनाते, इसलिए उनके ऊपर ये वीडियो ला दिया। और मोटिवेट या डिमोटिवेट, मोटिवेट तो पक्का हुए होंगे यार, देखो भाई कहां से कहां गया मैं आप लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से। तो आप भी भाई मेहनत करो, मेहनत मेहनत के आगे सब है, और लड़कीबाजी और दोस्ती ये सब दोगले होते हैं, छोड़ छाड़ दो भाई, कोई काम के नहीं रहते साले। माँ बोली मुझे बेटा क्या ही करेगा, यूं मोहल्ले में घूम के तू क्या ही पढ़े।